हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट को लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज लेट नाइट में आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है तो जानने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो, ओके। और व्यूअर्स, एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना जरूर शो करिए, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स बताएं आज रात इनके पर्सन के मन में क्या कुछ है, इनको लेके क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इनर वॉइस कार्ड हमारे पास आए हैं, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 6, नंबर 2, ओके, एब्जॉर्प्शन, पास्ट लाइफ, अबंडेंस, लवर्स एंड द इनर वॉइस। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ओके व्यूवर्स। तो देखिए, मैं एनर्जी आपके पर्सन की ये पिक कर पा रही हूँ कि आप में से हो सकता है बहुत सारे जो आप व्यूवर्स हों, आपके पर्सन आपसे मे बी किसी बात पे बहुत ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये एनर्जी गाइज ये बताती है कि ये जो पर्सन है इनके मन में कोई पास्ट में हुई बात ऐसी घर कर गई है, कुछ ऐसी बात बैठ गई है जिससे ये जिसके बारे में बहुत ज़्यादा, एक तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये भी कहूँगी कि डेफिनेटली आपके पर्सन ने उस बात का इम्पैक्ट इसके इनके ऊपर इतना नेगेटिव हुआ है कि इन्होंने बहुत बार ये भी आपको जताने की कोशिश की है, मे बी आपने इनको मनाने की कोशिश भी हो की भी हो, ठीक है, उनको इनको वो बात क्लियर करने की भी कोशिश की हो, लेकिन आपके पर्सन को व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि अब आप अपने आप को या तो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपने आप को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो बात रही है व्यूवर्स वो काफ़ी बड़ी रही है और इस वजह से आपके पर्सन ने आपको अपने दिल की बात बताना बिल्कुल ही जैसे कि बंद कर दिया। अब ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये उस लिए कनेक्ट होते हैं, इस वजह से कनेक्ट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे कि इनको जस्ट थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करना होता है, ठीक है। ये ऐसे ही पर्सन है, बहुत ही टॉकटेटिव हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग एनर्जी के हो सकते हैं, अगर ये किसी से दो पल बात भी कर ले तो लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते होंगे, लोग इनसे लोग मे बी इनको प्रपोज करते होंगे, ठीक है। ऐसा भी देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन फिलहाल ऐसी एनर्जी में है कि किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का भी प्रपोजल हो, क्योंकि लोग इनके तरफ तो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन ये मैं देख रही हूँ कि ये लोगों से बात करना पसंद करते हैं सिर्फ एक लिमिट तक, क्योंकि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आते हैं और आपके लिए गुस्सा भी यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आई है। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ आपके पर्सन हमेशा आम तौर पे, जैसे कि आज रात की हमने एनर्जी देखी है, तो ये जो पर्सन है आम तौर पे सिर्फ आपकी यादों के साथ ही अपने बीते हुए पलों के साथ में ही, आपके जो पास्ट की मेमोरीज हैं उन्हीं के साथ में, उनमें जो अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की यादें हैं उनके साथ में ही अपनी अक्सर रातें गुजारते हैं या फिर अपने थॉट को उन्हीं के साथ में ही प्रोसेस करते रहते हैं, मुझे यहाँ पर वही नज़र आता है। ये खुल के किसी से भी बात नहीं करते हैं, हंसी मजाक करते हैं फॉर जस्ट फॉर अ चेंज, जैसे कि इनके लाइफ में चेंज हो जाए या फिर इनको इतनी जो स्ट्रेस होता है वो
थोड़ा चेंज हो, ठीक है। ये इसलिए लोगों से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर मैं आपको बताऊँ, ये अगर कहूँगी तो आपको मे भी हैरानी होगी कि ये जो पर्सन है, आपने मे भी इनको किसी और से बात करते हुए या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हुए भी देखा होगा, बहुत रिलैक्स रहते हुए देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जस्ट एक आपको या तो जलाने का कहीं ना कहीं प्रोग्राम नज़र आता है मुझे, या फिर ये कहें कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की एक टेक्निक नज़र आती है। तो ये जो पर्सन व्यूवर्स अपनी आपको मे भी ना तो ये भूल पा रहे हैं, ना ही ये कोशिश करें कि आप इन्हें भूल जाओ, और ये मे भी आपको ये दिखाने की कोशिश करें आपके पर्सन की, देखो मैं आपके बिना अपनी लाइफ को कितने अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ, ये इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं हो मेरी लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, या फिर मैं आपके बिना अपनी लाइफ को नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। जस्ट लाइक कि ये आपको प्रोवोक करना या उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये अपना दिल जैसे कि संभाले बैठे हैं, किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहते, किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते। जैसे ही इनको कोई लगता है इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या इनकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा इनको आई लव यू वगैरह बोल रहा है, या फिर इनकी तरफ कोई जैसे इनको पाने की ख्वाहिश रखता है, तो आपके पर्सन उसी समय कोर्ट कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इनके ऊपर आपका इंप्रेशन इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि ये जो पर्सन ना तो आपको भूल सकते हैं, और ये कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आप भी इनको भूल ना सको कि इस तरह की इमेजेस को देख के, ठीक है। तो ये व्यूवर्स, मुझे आपके पर्सन का कहीं ना कहीं आपको लेके एक तरह का अग्रेशन नज़र आता है, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है। ये जो पर्सन है आपके, ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स देखो यहाँ पे लवर की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए अगर देखा जाए, चाहे कि रिश्ता आपका कैसा भी हो, लेकिन लवर का तो है ही है। आप दोनों ने जितना एक दूसरे को प्यार किया है, जितना एक दूसरे से आप लोग कनेक्टेड रहे हो, इतना तो कोई भी किसी को कर ही नहीं सकता। तो यही यहाँ पे गुस्से की वजह है कि आप दोनों में जब इतना प्यार रहा है, तो इतना बुरी तरह से गुस्सा भी होना कहीं ना कहीं लाजमी। कहते हैं ना, गुस्सा भी इंसान उसी पे होता है जिस पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, जिस पे प्यार बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल मैं यही देख रही हूँ व्यूवर्स, आपके ऊपर अगर इनका प्यार बहुत ज़्यादा है, तो गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे निकलता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आई है। चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके पर्सन के मन में। तो ये जो पर्सन है व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को इस तरह से जीता हुआ देख करके ना और परेशान हो रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ को इस तरह से मतलब बदल कैसे गई है लाइफ, जैसा सोचा था वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है कुछ। आपने देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोल दूँ आपसे, देखो गलतियाँ अगर उन्होंने की हैं, तो गलतियाँ आपने भी, आपसे भी कहीं ना कहीं हुई होंगी, या फिर आपसे हुई है तो उनसे भी हुई होगी। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इतना अगर कोई किसी से प्यार कर सकता है, तो कोई किसी को गुस्सा अगर दिखा रहा है, तो सोचो, कहते हैं ना दो ही चीज़ों में शिद्दत होती है, एक तो प्यार और एक मोहब्बत, ठीक है। और वो इस पर्सन ने दोनों ही चीज़ों में अपनी अपनी चरम सीमा को कोशिश कर रहे हैं छूने की, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। देखते हैं और क्या है इनके मन में आपको लेके, क्या चाहते हैं ये, ऐसा करवा के आपको क्या फील करवाना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, आप सोचो अपने डिसीजन के बारे में, ठीक है, ये यही चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, आप दोनों एक दूसरे को इस समय मिरर कर रहे हो बिल्कुल 100%। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही हो, मतलब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सब कुछ है, पर लोग दोनों ही दूसरे को ऐसा दिखा रहे हो कि गलती तुम्हारी थी। तो दोनों ही अपनी कहीं ना कहीं एक जो मिड पॉइंट होता है उस पर क्रिएट नहीं हो पा रहे। मैं दोनों ही देख रही हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करे हुए हो, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हो, ना ही आप मतलब बात करना चाह रहे हो, ना ही ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ व्यूवर्स की ये जो सिचुएशन है आपके पर्सन में भी, आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि आप समझो इनकी ये मतलब किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। और उसको देख के आप अपने डिसीजन को बदलो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर इनका मेन आस्पेक्ट नज़र आता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए कुछ लकी चार्म देखती हूँ कि ये लकी चार्म आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज लेके आते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके सो वी हैव कैट। व्यूअर्स मैं एक बात आपको बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। टेलीपैथी होता है ना, जैसे कि
जैसे कि आप मे बी टैरो रीडिंग के थ्रू इनके मन की बात जान रहे हो, या आपके पर्सन आपके एक्शन को देख के आपके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन कैसे दे रहे हो इनके, मे बी इनके स्टेटस को देख के, इनकी फ़ोटोज़ को देख के आप देख रहे हो, देख के कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट? तो ये मैं देख रही व्यूवर्स कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ स्लो बाय स्लो यानी स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हो और एक तरह का फिर से इस रिलेशनशिप को रियलाइव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है आपका प्लेस किसी और को दे ही नहीं सकते। जब देने की बात आती है तो कोर्ड कटिंग ये करते हैं, ठीक है? ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से। चलिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकल के आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे चैनल मैसेज क्या है आपके पार्टनर के आपको लेके। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, आप इनके लिए सब कुछ हो, इनकी दुनिया हो, ठीक है? वही है, आप इनके लिए सब कुछ हो, यही है आपको। इसीलिए तो ये जेलस करवा रहे हैं फील कि आप जेलस फील करो, आप इनके बिना रह ही ना सको। आप भी देखो यहाँ पे गुस्से में हो, वो भी गुस्से में है, पता नहीं इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। आई एम सरप्राइज्ड, किसी बात को लेके ये सरप्राइज्ड भी हुए हैं। गेट क्लोज, पास आ जाओ, दूरियाँ मत बनाओ। यू आर सो अमेजिंग कुक, आप बहुत अच्छे कुक हो, बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, मे बी ख्याली पुलाव भी बहुत अच्छे पकाते हो। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, आपकी कुछ कमियों के बावजूद भी ये आपको पसंद करते हैं। देखो वही है मैंने बोला ना, आई वॉन्ट टू हग यू, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू। तो ये तो व्यूवर्स 100% यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो भी लवर्स की एनर्जी है, ठीक है? लवर्स की एनर्जी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कार्ड वही आता है, सारे कार्ड वही नज़र आते हैं कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले एक तरह से माइंड गेम चल रहा है। आप भी वही चला रहे, वो भी वही चला रहा है, और ये पर्सन का कहीं ना कहीं मोटिव यही है कि आप समझो इनकी इंटेंशन को और इनके साथ में कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? और आप लोग फिर से एक दूसरे के नज़दीक आओ, प्यार मोहब्बत से अपनी लाइफ को स्पेंड करो, ठीक है? तो ये कुछ मुझे इनका मोटिव नज़र आता है, ये बस आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये आपके आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, जो पर्सन है आपके, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो। तो इनकी एनर्जी गाइज ये निकल के आई है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ओके? और व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।